हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम माय यूट्यूब चैनल दैट इज विपिन शर्मा बायोलॉजी ट्यूटोरियल एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो काफी बार क्वेश्चन आ जाता है इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और अप्रॉक्सिमेटली हर साल क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट तो इसको समझने के लिए मैंने कुछ डायग्राम्स का इस्तेमाल किया है जो कि मैंने खुद बनाए हैं और वो किसी भी बुक में नहीं दिए हुए हैं तो आप कंफ्यूज मत होना और आप चाहें तो आप उनको नोट्स में बना सकते हैं फॉर सिम्प्लीफिकेशन इससे आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही ज़्यादा सिम्प्लीफाइड हो जाएगा और आपकी टिप्स भी हो जाएगा एंड आई अश्योर यू दैट सो स्टार्ट करते हैं द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ सीवेज सीवेज सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये होता क्या है सीवेज क्या होता है सीवेज इज द म्यूनिसिपल वेस्ट म्यूनिसिपल वेस्ट में मेजर जो कॉन्स्टिटुएंट है दैट इज ह्यूमन एक्ट्रीटा वी नो वेरी वेल अबाउट द सीवर लाइन्स सीवर लाइन्स हमारे घरों में बिछी होती हैं दैट इज एक्क्रीटा दैट कंटेन्स ह्यूमन एक्सक्रीटा जो कि ह्यूमन वेस्ट होता है तो उसे हम सीवेज कहते हैं दैट इज मेनली म्यूनिसिपल वेस्ट ऐसा करके भी क्वेश्चन आ सकता है तो ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है इसका मेन कंस्टिटुएंट अब क्या है इट इज मेजरली फॉर्मड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोब्स तो अब इस सीवेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इट कैनॉट बी डिस्चार्ज इन टू अ वाटर बॉडी यानी कि किसी भी रिवर में किसी भी बड़े तालाब वगैरह में इसको हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि ये बना हुआ है ऑर्गेनिक मैटर से और ये बना हुआ है डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोब से और ये जो माइक्रोब्स हैं ये पैथोजेनिक हैं पैथोजेनिक मतलब दीज आर द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स अगर हम इस सीवेज को बिना किसी ट्रीटमेंट के डायरेक्ट ही किसी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर देते हैं तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियाँ फैलेंगी और हमें बीमारियाँ फैलानी नहीं हैं इसीलिए इन पैथोजेनिक माइक्रोब्स को ट्रीट किया जाता है इस पर्टिकुलर सीवेज को ट्रीट किया जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं जिससे कि ये साफ हो जाए और उस साफ पानी को हम फिर वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर सकते हैं तो हमारा मेन मोटो है सीवेज को क्लीन करना और उससे जो हार्मफुल या फिर पैथोजेनिक जो माइक्रोब्स हैं उनको हटाना सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन माइक्रोब्स को हटाने के लिए भी माइक्रोब्स का ही इस्तेमाल किया जाता है अब इन्हें हम डिस्चार्ज तो कर नहीं सकते तो डिस्चार्ज नहीं कर सकते तो इनकी क्लीनिंग की जाती है क्लीनिंग इज डन बाय हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब्स और वो हैट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स जिसकी हमने अभी बात की थी वो सीवेज में ही प्रेजेंट है जिस सीवेज को हमें क्लीन करना है उसके अंदर कुछ हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोव्स प्रेजेंट है और वही हमारी हेल्प करने वाले हैं उस सीवेज के क्लीन होने में अब हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोव्स ये कैसे याद करें सीवेज में हमें याद करना है कि एक ऑर्गेनिक मैटर है दिस इज ऑर्गेनिक मैटर तो जब ये ऑर्गेनिक मैटर है यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं जो कि अपना ऑर्गेनिक मैटर खुद बनाते हैं लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे के ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन डेराइव करते हैं और उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं, हैं हेट्रोट्रॉफिक अब यहाँ पे सीवेज में कोई फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म तो होने से रहा तो सीधी सी बात है कि जो भी माइक्रोब्स हमें यहाँ पे यूटिलाइज़ करने हैं वो इस ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म करेंगे क्योंकि हमारा मेन फंक्शन है माइक्रोब्स को इरेडिकेट करना जो कि डिजीज़ कॉज करेंगे और ऑर्गेनिक मैटर को इरेडिकेट करना तो हम ऐसे माइक्रोब्स इसमें डालेंगे जो कि ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे तो वो सीधी सी बात है कि सीवेज के ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करेंगे और इसके ऑर्गेनिक मैटर को खा जाएंगे और फिर हमारा वाटर जो है सीवेज जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसीलिए इसमें यूज होते हैं हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स ये एक बात थी जो कि क्लियर हो चुकी अब दो तरीके के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं इस पर्टिकुलर सीवेज को एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट द प्राइमरी ट्रीटमेंट इज नोन एज द फिजिकल ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज़ नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि सबसे पहले हम फिजिकली सबसे बड़े बड़े जो डैब्रिश हैं हालांकि इसको डैब्रिस बोलना ठीक नहीं होगा इसकी करेक्ट प्रोनन्िएशन होती है डैबरी सॉरी hmm, इसकी करेक्ट प्रोनन्शिएशन होती है डैबरी तो जब हम इस डैबरी को हटाएंगे ऊपर फ्लोटिंग डैबरी को हटाएंगे जैसे कि ये अगर हमारा सीवेज वाटर है और इसके ऊपर कुछ फ्लोट कर रहा है तो इसको हम नेट डाल के निकाल सकते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो बड़े वेस्ट हैं जो फ्लोटिंग वेस्ट हैं उनको फिज़िकल प्रोसेसिस से निकाल पाएंगे इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है इसके बाद फिजिकली किसी भी डैबरिश को या फिर फ्लोटिंग डैब्रिज को निकालने के बाद फ़िल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन प्रोसेस नाम के दो प्रोसेस आते हैं फिल्ट्रेशन कैसे होगी अगर ये हमारा सीवेज है यहाँ पे हम देखें तो अगर ये हमारा सीवेज है इसको हम यहाँ पर डालेंगे एक फ़िल्ट्रेशन स्लिट पे जिसके अंदर पोर्स होंगे अब उन पोर्स से छोटे जो चीज़ होंगी वो पास हो जाएंगी और पोर से बड़ी जो चीज़ होंगी वो ऊपर जमा हो जाएंगी इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही आता है उसके बाद हम कराएंगे सेडिमेंटेशन जो सीवेज यहाँ से पास हुआ वो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आने के बाद हम रिमूव करेंगे ग्रिट ग्रिट क्या होता है ग्रिट इज़ अ टर्म इसको आप कीचड़ मान सकते हैं ग्रिट का सिंपली मतलब कीचड़ हो सकता है जिसमें सॉइल और स्मॉल पेबल्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल के साथ इसमें प्रेजेंट होते हैं स्मॉल पेबल्स अब ड्यू टू तो द ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण वो जो चीजें हैं वो नीचे जमा हो जाएंगी जो भारी चीजें हैं और ऊपर बचेगा थोड़ा साफ पानी जो साफ पानी है इसको हम कहेंगे इफ्लुएंट इफ्लुएंट मतलब तैरने वाला जो ऊपर है तो इफ्लुएंट ऊपर होगा नीचे ग्रिट और सॉइल पेबल्स जमा हो जाएंगे जिसे हम कहेंगे प्राइमरी स्लज जो नीचे सेडिमेंट हो गए पार्टिकल्स उन्हें हम कहेंगे प्राइमरी स्लज ये चीज़ें हमने अलग कर चुकी एक तो फ्लोटिंग डेबरिज उसके बाद फिल्ट्रेशन मटीरियल और सेडिमेंटेशन के बाद प्राइमरी स्लज ये तीनों चीज़ें हमने हटा ली इस पर्टिकुलर प्राइमरी सेटलिंग टैंक से या फिर प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से हमने ये सारे रिएक्शन करने के बाद सिर्फ साफ़ पानी यानी कि इफ्लुएंट निकाल लिया और ये सारी चीज़ें अपने आप रिमूव हो चुकी हैं इस पर्टिकुलर सीवेज से अब हमने कौन कौन से स्टेप कर लिए फिज़िकल रिमूवल यानी कि फ्लोटिंग डैबरी को हमने हटा दिया उसके बाद हमने फिल्ट्रेशन कर ली उसके बाद हमने सेडिमेंटेशन कर ली अब ये जो इफ्लुएंट यानी कि साफ पानी है इसको हम ले जाएंगे एक एरेशन टैंक में जैसे कि यहाँ पे एरो जा रहा है ये जाएगा इस एरेशन टैंक में इस एरेशन टैंक के दो काम होते हैं यानी कि अब ये जो इफ्लुएंट था ये अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आ चुका है यानी कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में आ चुका है प्राइमरी ट्रीटमेंट का, का काम खत्म हो चुका है अब इस टैंक में क्या क्या होगा एरेशन टैंक में एक तो एयर ब्लो करने के लिए ये हैंडल लगा रहेगा है। एक हैंडल लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिससे एयर पंप होती है और वो एयर इस पर्टिकुलर टैंक में जाके यानी कि एरेशन टैंक में जाके पर्टिकुलर माइक्रोब्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ को इंक्रीज करती है तो एयर अगर हम ब्लो करेंगे तो कैसे माइक्रोब्स की ग्रोथ को बढ़ाएगी एरोबिक क्योंकि एनएरोबिक माइक्रोब्स को तो एयर चाहिए ही नहीं होती तो अगर हम इसमें एयर डालेंगे तो एरोबिक माइक्रोब्स की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी और उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे सूटेबल कंडीशन होंगी एक तो एयर और दूसरी एजिटेटर ये कुछ फिरकियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे इन फिरकियों को हम कहते हैं एजिटेटर मैकेनिकल एजिटेटर ये जब घूमती हैं तो इस पर्टिकुलर सोल्यूशन को इस पर्टिकुलर लिक्विड को यानी कि हमारे सीवेज को ये एजिटेट करती हैं जिससे कि माइक्रोबियल ग्रोथ में बढ़ोतरी होती है तो हमारे पास दो चीज़ें यानी कि मैकेनिकल एजिटेटर और हमारे पास एयर ब्लोअर इन दोनों चीज़ों की वजह से एरोबिक माइक्रोब्स की कंसनट्रेशन इस पर्टिकुलर सीवेज में बढ़ जाएगी और उन ज़्यादा बढ़े हुए माइक्रोब्स को हम कहते हैं फ्लॉक्स फ्लॉक्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं बैक्टीरिया जो कि नॉर्मली होते ही हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में प्लस फंगल फिलामेंट्स फंगस भी थोड़े बहुत होते हैं और इन दोनों की एसोसिएशन को जो कि बनाते हैं एक मैश लाइक -like स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड हो जाते हैं एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं उस मैश लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्लॉक्स तो यहाँ पे कुछ फ्लॉक्स बन जाएंगे और वो फ्लॉक्स फिर ऑर्गेनिक मैटर को खाना स्टार्ट कर देंगे जैसा कि हमने पहले पढ़ा था इसकी वजह से बी रिड्यूस हो जाएगी यानी कि कम हो जाएगी अब बी का क्या चक्कर है बी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो कम कैसे हो जाएगी इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सबसे पहले हम बी को समझें बी का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कंज्यूम हो जाएगा अगर हम एक लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करें बाय बैक्टीरिया यानी कि ये जो फ्लॉक्स हैं ये फ्लॉक्स अगर एक लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको अगर खाएंगे उस प्रोसेस के दौरान जितना भी ऑक्सीजन वो कंज्यूम करेंगे उसे हम कहेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और ये जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है ये इनडायरेक्टली हमें एक पर्टिकुलर लिक्विड में ऑर्गेनिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन को भी बताती है कैसे अब बात करते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को अगर हम सिंपली ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मान के चलें तो एक पर्टिकुलर कंटेनर है जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है यानी कि ऑर्गेनिक मैटर की तो जितने ज़्यादा बैक्टीरिया उस पर अटैक करेंगे वो उतना ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करते हुए ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे यानी कि बी रिड्यूस होना मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर रिड्यूस होना यानी कि एरोबिक बैक्टीरियाज ज़्यादा होना क्योंकि जितने ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे उतनी जल्दी वो ऑर्गेनिक मैटर को खा जाएंगे और उतनी बी कम हो जाएगी इसीलिए बी को कहा जाता है ऑर्गेनिक सब्स्टांस का एक मेजरमेंट डिवाइस भी इनडायरेक्ट मेजरमेंट डिवाइस क्योंकि हमें पता है कि अगर बी कम है इसका मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस अब कम हो चुका है किसी पर्टिकुलर लिक्विड में क्योंकि अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस ज़्यादा होता तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोब ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे होते और उस टाइम पे बी कम हो जाता इसीलिए ये पर्टिकुलर चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर बी कम इसका मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर भी कम हो चुका स्टार्टिंग में जब बी ज़्यादा थी तो ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोब्स अटैक कर रहे थे ऑर्गेनिक सब्स्टांस पर क्योंकि उस टाइम पर ऑर्गेनिक सब्सटांस भी ज़्यादा था तो ये बातें नोट करने लायक हैं अब ये पर्टिकुलर जो एरेशन टैंक्स था इसमें से बी कम हो जाने के बाद मिनिमम अमाउंट हो जाने के बाद उसे फिर हम एक और सेडिमेंटेशन टैंक में डालते हैं जो हमारे पास जो फ्लॉक्स थे यानी कि बैक्टीरिया और फंगल फिलामेंट्स जो कि बना रहे थे एक मैश लाइक स्ट्रक्चर उसको हमें अब सेडिमेंट कराना है तो हम इस सेडिमेंटेशन टैंक में डालेंगे क्योंकि बैक्टीरिया और फंगस की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वो एक एसोसिएशन में है तो वो नीचे आ जाएंगे और ऊपर फिर से बचेगा इफ्लुएंट लेकिन हमें इस बार काम है इस फ्लॉक का इस फ्लॉक को हम क्या करेंगे ये जो सेडिमेंटेड फ्लॉक होते हैं जो नीचे जमा हो जाते हैं इसे हम कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज जब हमने पहले पढ़ा था सबसे पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान उस टाइम पे हमने पढ़ा था प्राइमरी स्लज लेकिन इस टाइम पे ये है एक्टिवेटेड स्लज तो इस एक्टिवेटेड स्लज को हम क्या करेंगे दोबारा पंप बैक करेंगे इनटू एरेशन टैंक एरेशन टैंक में ये वर्क करेगा एज एन इनोक्यूलम जैसे कि अगर दही जमाने के लिए दूध में थोड़ा सा दही पहले से डालना पड़ता है विच वर्क एज एन इलाकुलम बिकॉज उसमें होते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि दही के जमने में मदद करते हैं यानी कि दही खुद दही जमने में मदद करता है इसी तरीके से ये जो सेडिमेंटेड फ्लॉक है या फिर एक्टिवेटेड स्लज है ये खुद अगली बार स्लज बनने में हेल्प करेगा इन द एरेशन टैंक इसीलिए इसको पंप बैक किया जाएगा इनटू एरेशन टैंक और जो इसका मोस्टली जो कंटेंट है वो हम डालेंगे आगे अन बैक्टीरियास के बीच जिसे कहेंगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जो एक्टिवेटेड स्लज है हमें उसको डाइजेस्ट करना है सो हम इसको डालेंगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में यहाँ पे बहुत सारे अनारोबिक बैक्टीरिया होंगे और वो अनरोबिक बैक्टीरिया इन फ्लॉक्स पे अटैक करेंगे यानी कि जो एक्टिवेटेड स्लज में ये फ्लॉक्स थे यानी कि बैक्टीरिया प्लस फंगल फिलामेंट्स इन पे ये अटैक करके इनको डाइजेस्ट कर देंगे यानी कि हमारे बैक्टीरिया जिनसे हमने पानी साफ़ करवा लिया अब उन बैक्टीरियाज़ और उन फंगल एलिमेंट्स को भी हम डाइजेस्ट कर देंगे तो बचा गया हमारे पास सिर्फ साफ पानी और वो जो साफ़ पानी है वो हम आसानी से डिस्चार्ज कर सकते हैं किसी भी वाटर बॉडी में सो तो किसी भी वाटर बॉडी में अगर हमें किसी सीवेज को डिस्चार्ज करना है उससे पहले हमें उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी जिससे कि वो बहुत ज़्यादा साफ हो जाए और उसमें कोई डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब ना हो जिससे कि डिजीज़ की होने की टेंडेंसी कम हो जाए तो हमारी सुरक्षा हमारे ही हाथ है इसीलिए हम इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जिससे कि बीमारियां कम से कम हो सके और ये जो माइक्रोब का यूज़ है इसको आज तक कोई हटा नहीं पाया है कोई भी मैन मेड प्रोसेस इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है जितना कि ये प्रोसेस एफिशिएंट है इसीलिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि एसटीपी में हम माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं हो सकेगा तो मैं आपके लिए एक एनिमेशन वीडियो भी बनाऊंगा इसके लिए जिसमें मेरी सारी बोली हुई बातें जो हैं उसके बाद आप उसको देखने के बाद आसानी से आपका पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल थी तो प्लीज लाइक थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गायज द वीडियो फ्राम माई यूट्यूब चैनल दट इज़ विपिन शर्मा बायोलॉजी टूटोियल्स एंड टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सो so, हमें पता है कि जितना भी म्यूनिस्पल वेस्ट वाटर होता है जो भी हम एक्सपोज करते हैं अपना एक्सक्रीटा एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सीवेज़ उसे हम कहते हैं सीवेज सो उस सीवेज का ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रोब्स होते हैं विच आर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स और इसके लिए हम यूज़ करते हैं एस का जिसे हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सो एक एरियल व्यू है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का आप ऊपर से देख सकते हैं दीज आर द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इसके दो तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट सो so, पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें मैकेनिकल प्रोसेस से जो बड़े चीज़ें हैं सीवेज में उन्हें हटाया जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्रीन्स अब हम इन स्क्रीन्स को देखें तो इन स्क्रीन्स में कुछ पोर्स होते हैं और वो पोर्स अपने से बड़े साइज़ के पार्टिकल्स को आगे पास होने नहीं देते और वो बड़े पार्टिकल्स हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द फ्लोइंग वाटर और फ्रॉम द फ्लोइंग सीवेज वाटर तो अगर हम उन पार्टिकल्स को रोक लें तो वो बड़े जो पार्टिकल्स हैं उनको हम रिमूव कर पाएंगे इस प्रोसेस को कहा जाता है फिल्ट्रेशन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स जा रहे हैं जो कि स्क्रीन को पास नहीं कर पा रहे तो जो स्क्रीन को पास नहीं कर पाएंगे ऐसे पार्टिकल्स को हम रोक लेंगे एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फिल्ट्रेशन इसके बाद हम करते हैं सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन यानी कि कोई जो भारी पार्टिकल होगा वो वाटर फ्लो जब करेगा तो नीचे सेडिमेंट हो जाएगा नीचे सेटल हो जाएगा और इसके लिए एक प्रोसेस यूज़ किया जाता है दिस इज ग्रिट चैम्बर ग्रिट एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम कीचड़ मान सकते हैं जिसमें कि डिफरेंट काइंड ऑफ चीजें प्रेजेंट रहती हैं जैसे कि सैंड उसमें प्रेजेंट रहता है और बाकी कुछ चीजें भी प्रेजेंट होती हैं जैसे कि पेबल्स स्मॉल पेबल्स तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सैंड और स्मॉल पेबल्स जिसे हम ग्रिट कहते हैं ये फ्लोइंग वाटर के थ्रू नीचे सेडिमेंट हो रहा है और साफ पानी आगे बहता जा रहा है जिनसे कि ग्रिट अलग हो चुकी सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ग्रिट चैम्बर जो कि सेडिमेंटेशन का एक प्रकार है अब प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा इसमें कुछ जो हैवी पार्टिकल्स हैं ग्रिट के या फिर सैंड के जो बच गए वो फ्लोइंग वाटर के थ्रू नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे और आगे जो बहता हुआ पानी है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा ये थी हमारे कुछ ट्रीटमेंट्स विचार प्राइमरी ट्रीटमेंट्स जिसमें हमने फिजिकली या फिर फ़िल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से कुछ पार्टिकल्स को अलग कर दिया इसके बाद हम देते हैं इस पर्टिकुलर सीवेज वाटर को एक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिसमें हम कहते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट के काफ़ी सारे जो रहते हैं प्रोसेसेस रहते हैं जिसमें से पहला है बायो रिएक्टर अब बायो रिएक्टर का स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब का रहता है इसमें आप ये जो ब्राउन कलर की फिरकी वगैरह देख रहे हैं जो यहाँ पे लगी हुई है ये इसे एजिटेट करती है और ये वाइट कलर का हैंडल है ये है एरेशन टैंक जिससे कि एयर ब्लो की जाती है इस पर्टिकुलर टैंक के अंदर तो जब पानी यहाँ पर आएगा तो ये जो यहाँ पर फिरकी जो आप घूमती हुई देख रहे हैं ये इसको मैकेनिकल एजिटेशन प्रोवाइड करेगी और एरेशन टैंक जो कि इसके अंदर ऑक्सीजन ब्लो करेगा उसकी वजह से एरोबिक बैक्टीरियाज की ग्रोथ इसके अंदर बढ़ जाएगी और वो एरोबिक बैक्टीरिया इस पानी में प्रेजेंट गंदे पानी में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर लेंगे जिसकी वजह से ये पानी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिक गंदगी थी ऑर्गेनिक जो चीज़ें थी वो सारी डाइजेस्ट हो जाएंगी जिसकी वजह से बी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाएगी दिस इज सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक इसके अंदर जो एक्टिवेटेड स्लज होता है जो बैक्टीरिया जो नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं उनके बाद बचा हुआ जो स्लज रहता है उसे हम इसमें डालते हैं दिस इज़ अनोबिक स्लज डाइजेस्टर और इसमें जो बैक्टीरियाज हैं उन्हें कुछ अनोरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर देते हैं सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेडिमेंटेशन प्लांट और इसमें जो पानी इसके बाद जो होता है वो डिस्पोजेबल होता है उसे हम वाटर बॉडीज़ में डिस्पोज कर सकते हैं और इसीलिए वो पानी बहुत ज़्यादा साफ़ होता है और उसे साफ़ करने की ज़रूरत है अगर वो साफ़ नहीं होगा तो बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी क्योंकि इट कंटेन्स वेरियस डिजीज़ कॉजिंग Microbes. So, I hope that this particular animation is useful for you. Thank you so much again for watching this video, guys. And this is the final aerial view of sedimentation plant, which is given in NCRT. Thank you so much.